आपने बॉलीवुड में कई फिल्में देखी हैं। किसी को फिल्म की स्क्रिप्ट अच्छी लगती है तो किसी को एक्टर्स की एक्टिंग या फिर डायरेक्टर्स का कमाल और या फिर फिल्म की सिनेमेटोग्राफी। जब भी आप फिल्म देखने जाते हैं तो एक्टर्स की एक्टिंग और फिल्म के डायरेक्शंस को कैमरे में किस तरह से कैद किया जाता है, सिनेमेटोग्राफी के पीछे का क्या प्रोसेस होता है, ये क्वेश्चंस कभी आपके मन में आए हैं? तो ऐसे में नेशनल अवार्ड विनर इंडियन फिल्म सिनेमेटोग्राफर सुदीप चटर्जी ने बॉलीवुड नाउ से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपनी जर्नी और स्ट्रगल पर खुलकर बताया। मैं थर्ड ईयर में था तभी विनोद चोपड़ा इंस्टीट्यूट में आए थे कुछ काम के लिए और उन्होंने मेरा एक एक्सरसाइज देखा था, उनको बहुत पसंद आया था एक्सरसाइज। मैंने गाना शूट किया था नीना गुप्ता को लेकर, ब्लैक एंड वाइट में गाना शूट किया था, तो उनको बहुत पसंद आया था। तो मुझे ढूंढ के निकाला उन्होंने और बोला कि ऐसा तुमको कभी कुछ मदद चाहिए तो आओ बॉम्बे में, तुम्हारा काम मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बोला ठीक है। अभी मैंने कुछ ऐसा सोचा भी नहीं था कि विनोद चोपड़ा को भी फ़ोन करूँगा, पर जस्ट अबाउट जब भी मैंने अपना वहाँ कोर्स कम्प्लीट किया था, एक दिन मेरा मुझे खबर मिला कि विनोद चोपड़ा मुझे ढूंढ रहे हैं। वो पहला एक्सपीरियंस था एक कमर्शियल शूटिंग देखने का, पार्टिसिपेट करने का। तो एंड आई एक्चुअली मेट अ लॉट ऑफ पीपल विद होम आई वर्क इन द फ्यूचर। आई मेट संजय बंसाली देयर। संजय वाज अ ही वाज एन एसोसिएट डायरेक्टर ऑन द फिल्म एंड ही वाज अ सॉन्ग डायरेक्टर। आई यूज्ड टू टेलीविजन शोज, तब उन दिनों को अच्छा सीरीज हो रहे थे, स्टार बेस्ड सेलर्स बोल के एक होता था, मैंने वो स्टार बेस्ड सेलर्स बहुत सारा किया। आगे उन्होंने शूटिंग प्लानिंग और शेड्यूल किस तरह से प्लान किया जाता है इस पर जानकारी दी। देखिए अलग अलग तरीके से होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम एक सीन की लाइटिंग पहले से करके रखते हैं जिसको प्री लाइटिंग बोलते हैं। तो एक बड़ा सेट, जैसे अगर आप गंगूबाई जैसे सेट की बात कर रहे हैं तो गंगूबाई में एक बहुत बड़ा सेट है और उसमें हमने पूरा ऊपर से कवर किए, एक बेसिक लाइटिंग जिसको एम्बियंस लाइटिंग बोलते हैं कि एक बेसिक एटमॉस्फेयर बनाना, वो हम पहले से करके रखते हैं। अभी जो शूटिंग के समय होता है वो है फेस लाइटिंग, जो सीन के हिसाब से होता है अभी मतलब, और थोड़ा उसको ट्वीक करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक स्टैंडर्ड लाइटिंग में हर सीन तो शूट नहीं होता है ना, अलग अलग मूड होते हैं और सीन का विजुअल ट्रीटमेंट, मैंने सीन का ट्रीटमेंट कैसा होता है वो डायरेक्टर क्या करते हैं। संजय जैसे एक डायरेक्टर वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रोवाइज करते हैं। शुरू होता है कि पहले सबसे पहले रिहर्सल्स होते हैं, एक्टर्स लाइंस पढ़ते हैं, रिहर्स करते हैं, रिहर्सल के बाद हम लोग एक करते हैं कि हम ब्लॉकिंग करते हैं सीन का, फिर हम डिस्कस करते हैं कैसे डायरेक्टर के साथ डिस्कस करते हैं कैसे इसका शॉट ब्रेकडाउन कैसे होगा, कैसे इसको अलग अलग शॉट्स में तोड़ेंगे सीन को, फिर हम डिस्कस करते हैं कैसे डायरेक्टर के साथ डिस्कस करते हैं कैसे इसका शॉट ब्रेकडाउन कैसे होगा, कैसे इसको अलग अलग शॉट्स में तोड़ेंगे सीन को, और वो प्लानिंग के बाद फिर हम धीरे डिस्कस करते हैं कि कौन सा शॉट शुरू करेंगे, फिर उसका लाइटिंग करते हैं। फिल्म की शूटिंग के वक्त एक्टर्स के साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, इस पर भी उन्होंने खुलकर बात की। सीन का मूड होता है, एक एटमॉस्फेयर होता है। हाँ, आपको एक्टर का फेस तो ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि कुछ फेसेस की कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ फेसेस की कुछ वीकनेसेस होती है। जैसे कि आप देखिए ऋतिक का फेस ऐसा है, उसका उसको एक किकर लाइट बोल के एक लाइट एक कॉर्नर से आता है ऐसा करके, वो किकर लाइट उसको बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है वो ऋतिक, क्योंकि जॉ लाइन बहुत डिफाइंड होता है, ये जॉ लाइन जो उनका है ना इतना बहुत अच्छा डिफाइंड होता है। तो रणवीर सिंह की बात करें तो रणवीर का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ उसका आँख है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ रणवीर का आँख को एक उसको पकड़ने का, यानी कि एक उसका एक लाइटिंग से एक थोड़ा चमक लाने का। आप अगर पद्मावत में देखेंगे तो आप देखिएगा कि किस तरह से उसका आँखों का लाइटिंग हुआ है, वो एक उसका एक डैजल आता है आँखों से। तो ये तो हर एक, और ये सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि एक्टर स्पेसिफिक है, मतलब मैं रणवीर के साथ ये शायद सब फिल्म में नहीं करूँगा, पद्मावत में किया बिकॉज वो कैरेक्टर वो था, वो कैरेक्टर का रिक्वायरमेंट वो था। तो वैसे ही होता है, आपको एक्टर का वो थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई का एक्सपीरियंस भी उन्होंने शेयर किया। तो मुझे लगा कि ये फिल्म में एक तरह से अगर मैं सनलाइट को यूज़ करूँ और एक तरह से उनका फेस में जिस तरह से सनलाइट का प्ले होएगा वो बहुत एक इंटरेस्टिंग हो सकता है, मतलब इट कैन बी ए सिंबल ऑफ होप, इट कैन बी ए सिंबल ऑफ रेडियंस। तो ये मैंने गंगूबाई में बहुत इस्तेमाल किया उसको। देखिए एक सीन है जिसमें गंगूबाई ट्रैप्ड हो रही है इसके अंदर, शीला मौसी उसको वो उसका लवर रमणीक उनको लेके आए इधर और वो उसको छोड़ के शीला मौसी के पास छोड़ के वो चले गए। तो आप देखिएगा वो सीन में जिस तरह से गंगू की फेस शीला भाई ने पकड़े हुए और एक
हल्का सा पैच है सनलाइट का, मेरा दिमाग में ये था कि ऑलमोस्ट वो लाइट में रहना चाहते हैं और शीला मासी उसको अंधेरे में धकेल रही है, ये एक प्ले फेस के अंदर किया, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के साथ का एक्सपीरियंस भी उन्होंने बॉलीवुड नाउ को बताया। धूम 3 में बहुत ध्यान देना पड़ा और मैं कहूंगा कि आमिर जैसा एक एक्टर जो बहुत टेक्निकली परफेक्ट है, उनके बिना उसके बिना ये कोई कर नहीं पाता रोल, बिकॉज बहुत ही टेक्निकली चैलेंजिंग था डबल रोल करना, तो बहुत सारा उसमें टेक्निकल चीजें जैसे कि लुक कहाँ होगा, आमिर जैसा टेक्निकली उतना शार्प एक्टर था बोल के वो उतना अच्छा हो पाया। अभी तक के सफर में उनकी बेस्ट मेमोरी क्या रही है वो भी उन्होंने बताया। हम बाजीराव के क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे और क्लाइमैक्स में एक रिक्वायरमेंट था, हमको सनी डे चाहिए था, फिर हमको क्लाउडी डे चाहिए था, फिर हमको बारिश चाहिए था, तीन चीज़ चाहिए था। तो बारिश के लिए भी क्लाउडी डे चाहिए था क्योंकि हालांकि बारिश हम लोग क्रिएट करेंगे रेन मिशन के साथ, लेकिन धूप के अंदर बारिश तो सही नहीं लगता है ना, तो हमको स्पेसिफिक लुक चाहिए था एकदम, क्योंकि जिस टाइम में हम लोग शूट कर रहे हैं तो उसमें बारिश होने का कोई चांस नहीं था। संजय को मैंने बोला था कि कुछ कैसे करेंगे उसको, संजय बोला तुम हो जाएगा बारिश तुम देखना। तो शूट के दिन हमारा सनलिट वाला पोर्शन हो गया और नेक्स्ट डे हम लोग करने वाले थे, तो मैं थोड़ा कंसर्न था कि क्या होगा, तो संजय जाने से पहले मेरे को बोले कि तू फिक्र मत कर, मेरा बात हो गया, पर आ जाएगा कल, क्लाउड आ जाएंगे। आप मानेंगे नहीं, यकीनन क्लाउड सा निकलते, मैं देखा था कि कितने सच्चाई के साथ संजय बोल रहे थे कि आ जाएगा, और तो मुझे लगता है कि हो सकता है कोई इतना दिलो जान से कुछ चीज़ मांगे तो शायद दे देंगे, आपको शायद ऑनेस्ट रहना पड़ता है उसके लिए बहुत। आपको पता चल ही गया होगा कि बिग स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली फिल्म के सिनेमेटोग्राफी के पीछे एक बड़ी टीम का हाथ होता है, जिसे परफेक्ट बनाने के लिए वो अपनी जी जान लगा देते हैं। आपको हमारी ये खास पेशकश कैसी लगी, फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। ऑल्सो डू लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।